हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान राम के काल के वे पांच लोग जो नहीं थे मनुष्य। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान राम का काल। ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई हैं। आज यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है। रामायण काल में बंदर भालू की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थीं जो मानवों के संपर्क में थीं। आइए जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मनुष्य नहीं थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को कुछ लोग वानर जाति का मानते हैं तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि यह शोध का विषय है और रहस्य अभी भी बरकरार है। वाल्मीकि रामायण में इन वानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी हनुमान, सुग्रीव बाली, अंगद बाली का पुत्र, सुशेर वैद्य आदि, यह सभी वानरों की कपि नामक जाति से थे। जटायु और संपाति। माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुण। प्रजाति कश्यप की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया था। संपाति ने समुद्र के पास वानरों को बताया था कि सीता कहाँ है। जामवंत जी। कुछ लोग कहते हैं कि रक्ष नाम की एक जाति थी जो मानव जैसे ही थे, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे रीछ ही थे। भालू या रीछ उर्सीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंती इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से ही थे। निश्चित ही तब जामवंत की जाति लुप्त हो गई है। हालांकि यह शोध का विषय है। कागभुसंडी। लोमस ऋषि के साप के चलते कागभुसंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने साप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि की पहले ही कागभुसंडी ने रामायण गिद्धराज करुण को सुना दी थी। नन्ही गिलहरी। इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र मिलता है। वन में ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पांव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक पल मिला, इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम दे सकी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।